सच्ची बोलो, डर तो गए थे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं डरा। तुम्हारे दादाजी भी अच्छे लगे और वो तुम्हारे मामू मुनीर भी। बस तुम्हारी अम्मी साहबा जरा वक्री टाइप की लगती हैं, है ना? लेकिन मैं देख लूंगा उनको। हाँ, कैसे देख लोगे? पुनार से ज्यादा मोहब्बत करूंगा उनसे, थम के रह जाऊंगी देखना। आखिरी दफा है क्या? क्या पूछा, ये आखिरी दफा टकराई हो या टकराती रहो? तो भी स्मार्ट, तुम क्यों आते हो मेरे सामने? आता नहीं हूं कसम से। आ जा। मामू जी, मेरी जान, आर वी फ्रेंड्स? यस, वी आर गुड फ्रेंड। प्यार हो गया मुझे? मुझसे ना, मैं नहीं इसका पर। आपसे नहीं मामू, एक लड़की से। ना कर बांझे। सच कह रहा हूं मामू, ये जो नींद नहीं आ रही और जो लगता है कि आएगी नहीं, तो पता है क्यों? क्यों? क्योंकि वो चली गई है मामू। अच्छा, तो वो आई थी तो गाई क्यों नहीं? ऐसे ही आंख मटका हो गया होना ना, देखने से अच्छी लग गई होगी। नो प्रॉब्लम, मर्द की आंख में होता है ये फॉल्ट, कोई इस गली में अच्छी लग जाती है, कोई उस गली में अच्छी लग जाती है। तो बस अच्छी नहीं लगी मामू, सबसे अच्छी लग गई। मतलब अब आपको भी देखूं तो वो नजर आती है मामू। वो बेड़ा तर गया। चल उठ, ठंडे पानी से नहा और ऐतन कुर्सी पढ़ के सो जा। सोना नहीं अब मामू, एक बार फिर देखना है उसे। नाम बता। नाम नहीं बताऊंगा। You said we are good friend and this sitting in friendship. नाम बताओ। अभी नहीं मामू, अभी बात नहीं हुई। बात नहीं हुई और प्यार हो गया। अच्छा, अगर बात हुई तो वो आगे से बोली ना, फिर बोलती है मामू, कहती है सामने क्यों आते हो? ये तो फिर बात हो गई ना, रहती कहाँ है? यही तो पता नहीं मामू, कभी लगता है आंखों में रहती है, कभी लगता है दिल में। सिस्टर को बताए? वो सुनेंगी तो हंसने लगेंगी। जी नहीं, वो सुनेंगी तो 8032 रोजों की किटकी आपके मुंह पे मार देंगी, चुत्ती उतार के आपके सर पे मारेंगी और 100 गिनने के बाद पूछेंगी दिमाग ठीक हो गया। एक बात बताओ मामू, जिनको नफरत करनी आती है उनको आता है प्यार करना, और प्यार पर यकीन भी उन्हीं को आता है। जिस दिन अम्मी साहिबा से बात होगी वो मेरे प्यार का सुनकर प्यार करेंगे मुझे और कहेंगी, अच्छा तुझे प्यार हो गया, दिल आ गया किसी पर, तू इतना बड़ा हो गया पुनार। फिर माथा चूमेंगी मेरा, बुलाए लेंगी और पूछेंगी नाम बताओ उसका,
तब उनको बताऊंगा ना, उसको नहीं बताऊंगा जो प्यार करने से रोकेगा। मुबारक हो हुकम साहब, आपका पुत्र भी साईं लोग हो गए। अपना पुत्र अपनी बनाई हुई पेंटिंग होती है इकबाल साहब, बाप उसके बदले में पिकासो की पेंटिंग भी नहीं लेता। कौन है लोग ये जख्म खाए हुए, दिल की मैयत को सर पे उठाए हुए, कहाँ बेच कर आए हैं, आज आए हैं पूछो ये क्या लाए हैं, एक मोहब्बत से ये ना संभाले गए, एक मोहब्बत ना इनसे संभाली गई, जिंदगी बस उम्मीदों भरी जेब थी, जिंदगी बस मिला है मोहब्बत के बाजार से, क्या मिला है मोहब्बत के बाजार से। तुम ठीक हो ना? आज फिरते हो दिल को नकर। मैं ठीक नहीं हूं अच्छू। बैठ बैठ जा। देख, अल्लाह पर भरोसा रख, खुश हो जा कि तुम्हें किसी ने पहचाना नहीं है। आधा मोहल्ला गुजर कर गए हम, किसी ने शक भी नहीं किया कि तू जज्जी है, तो फिर डर किस बात का? डर इस बात का है कि अंसा मेहरुन्निसा के दिल पे चोट लगी है, अंगूठी पहनाते हुए दिल घबरा गया था उसका। मास्टर जी कहा करते थे, तकदीर उसको कहते हैं कि घेर के वहां ले जाए जहां कोई जाना नहीं जाता। तकदीर हमें घेर के वहां ले गई मुझ, और आज 20 सालों के बाद कोई मेरे अंदर मुझे कह रहा है तू इकबाल नहीं चच्ची। तेरी कसम मौजू, जिससे मैंने मान लिया कि मैं चच्ची हूं, उस दिन मैं जीते जी मर जाऊंगा। साथ रुको, पूछो कौन है। कौन? पुनार अम्मी साहिबा। कह दो आज अफ्तारी पर मिलेंगी। अम्मी साहिबा रोजा रख रही हैं, अफ्तारी पे मिलेंगी। नहीं, मैं अभी मिलूंगा। अम्मी साहिबा से कहो मुझे नींद नहीं आ रही।
मुझे पता है तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। ले जाओ, रख लिया रोजा। निकलो तो दरवाजा बंद करती जाना। अम्मी साहिबा, कहा ना मुलाकात नहीं होगी, अफ्तारी पर मिलेंगे तो देखूंगी इस एक रात में तुम कितना तड़पे हो, फिर तुमसे पूछूंगी। मैं जो इन 22 सालों में हर रात तड़पी हूं उसका हिसाब कर लोगी? मैं शर्मिंदा हूं अम्मी साहिबा। शर्मिंदा तो मैं हूं लाडले, तुम्हें कभी बता ही नहीं पाई कि मोहब्बत तुम पर जायज नहीं। मोहब्बत नहीं करूंगा अम्मी साहिबा। अरे जाओ मेहर पुनार, मोहब्बत तो हुकुम साहब को खा गई, तुम किस खेत की मूली हो? आप कहो तो दिल चीर कर दिखा देता हूं। शाम को देखूंगी लाडले, टेस्ट लूंगी तुम्हारा। अपनी आंखें और दिल संभाल कर रखना, दोनों से झूठ नहीं बोला जाता। अम्मी साहिबा, मेरी नमाज का वक्त हो गया, अब तुम चले जाओ। अखबार पढ़ो। थोड़ी देर ठहर के पढ़ूंगा यार। तस्वीर छपी है तुम्हारी, 22 साल पहले वाली। तस्वीर 22 साल पुरानी है, आदमी को ढूंढने या ढूंढ कर लाने वाले को 5,00,000 नकद इनाम दिया जाएगा। यार कमाल फोन नंबर 03-23-21। गन माहियो साडे लगियां नू तोड़ के। गुड मॉर्निंग मेयर साहब। ओए आ भाई मुनीर अहमद, गुड मॉर्निंग। फोटो तो चेक करो, पहचानो किसकी है। किसकी है देखो। ऐनक फड़ाओ। यावर कमाल ने इसको ढूंढने के लिए 5,00,000 इनाम रखा है। क्यों रखा है? फरहाद के पापा जी से बड़ी शक्ल मिलती है इसकी। ये तो जज्जी है। जज्जी को? जज्जी बाली का पुराना यार। तो फिर इसकी शक्ल फरहाद के पापा से क्यों मिलती है? भुलेखा लग गया होगा मुझे। उसकी आंखें नीली होती थी, गाल पर तिल भी था, बदतमीजी से बात करता था बहुत। ऐसे मुख मुहांद्रा मिल गया होगा। तू
तू ये सोच कि यावर कमाल इसको क्यों ढूंढ रहा है। ये तो आप सोचो ना मेहर साहब। मैं सोचूंगा नहीं, रात को शतरंज खेलूंगा, फिर पूछूंगा कि 22 साल बाद क्यों ढूंढ रहा है इसे। ये यावर कमाल कौन है? रामस का मामा, सुरैया बतूल का भाई। रामस वो बाली का भाई? हाँ। उससे मिले हो कभी? शायद एक दो दफा। मुझे तो उसकी ठीक से शक्ल भी याद नहीं। उसको तो याद है तुम्हारी शक्ल। और से देख पूछू, कोई इस फोटो को देखकर पहचान सकता है मुझे? नहीं, यहां तुम्हारी आंखें नीली हैं, गाल पर तिल है, गौर ना करो तो पहचाने नहीं जाते। और अगर गौर करो तो? कुणाल का है? वो तो सो रहे हैं। अरे तो जगाओ ना, ये कोई सोने का वक्त है? अभी तो सोए हैं। क्या अभी क्यों सोए हैं? आज सब रात को जागते हैं ना लाडली, इसलिए टाइम टेबल चेंज हो गया उसका। आशिक मतलब? पुनार को प्यार हो गया है। पुनार को? क्या बोला, क्या क्या कहा मामू? प्यार हो गया है। ना करें, सिस्टर से पूछ लो। उनको पता चल गया? जी। क्या कहा उन्होंने? मुंह से कुछ नहीं कहा, सुनकर खुशी से उनका खून खौल गया। जोर का थप्पड़ मार दिया उसको। थप्पड़ उसको मारा था, पर महसूस मुझे हुआ था प्यार करने पर थप्पड़ मारा है। सिस्टर के मुताबिक अभी वो प्यार के लिए क्वालिफाई नहीं करता। बाली को मारेगा तो रेटिंग बढ़ेगी उसकी। बाखुदा सिस्टर कोई मोहब्बत की दुश्मन नहीं है, वो अपने असूलों की गुलाम है। लड़की का नाम भी पूछना। पुनार, 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 कमीने, प्यार हो गया तुम्हें और बताया तक नहीं मुझे। सबसे पहले जाकर अम्मी साहिबा को बताने की क्या जरूरत थी? उनको नहीं बताया, मामू को बता रहा था, उन्होंने सुन लिया। फिर कुछ नहीं। अरे चलो, फिर अम्मी साहिबा ने दिए उल्टे हाथ की है ना, जोर की लगी। हाँ वो तो पता है मुझे, थप्पड़ तो ऐसा मारती है जैसे मार ही डालेंगी, लेकिन फिर बाद में मान भी जाती है, मंगनी भी कर देती है। कौन है? कौन? लड़की का नाम बताओ ना यार। लड़की कोई है ही नहीं। तो प्यार तुम्हें लड़की से नहीं हुआ? अरे प्यार ही नहीं हुआ, तो ऐसे ही लगा कि प्यार जैसी कोई फीलिंग है, फिर लगा कि नहीं। हाँ, शाम को टेस्ट दे रहा हूँ। टेस्ट मतलब? अमित साहिबा ने कहा है कि शाम को टेस्ट लूंगी, देखूंगी कि एक रात में कितना तड़पे हो तुम, फिर तुमसे 22 साल की सब रातों का हिसाब पूछूंगी। फिर क्या, एकदम मेरी आंखों से लड़की की फोटो गायब हो गई, अब तो याद भी नहीं कौन थी। नाम तो याद है ना? टेस्ट में पास हो गया तो देखना, नाम भी याद नहीं रहेगा। शट अप पुनार, प्यार हो गया है तो जम के कहो हो गया है, डरो मत। प्यार करके मां से कौन डरता है? जिस दिन बाली को मारूंगा उस दिन कहूंगा, डट कर कहूंगा प्यार हो गया, फिर थप्पड़ नहीं मारेंगे।
थप्पड़ खाकर मुझे ये नहीं लगेगा कि नफरत जब होती है तो प्यार से भी ज्यादा होती है। ऑफिस से भाग क्यों रहे हो? भागने की वजह? एक बार सोचा था मैंने कि कनाडा शिफ्ट हो जाऊं और भाग जाऊं यहां से, पर इस शहर की मट्टी मेरे पैर पकड़ लेती है। पता नहीं मेरे पैर ही क्यों पकड़ती है। हालांकि शहर में दसियों लोग हैं जो अपने पुराने दोस्तों से मिले तो फखर से कहते हैं हम कनाडा शिफ्ट हो गए, और मैं ऐसा हूं कि दूसरे शहर ना जा सका। तुम नहीं जा सकते थे ना? क्यों नहीं जा सकता? तुम्हारे सर पर अमानतें रखी हैं दोस्त, वो हकदारों को अमानतें वापस करनी पड़ेंगी तुझे। वैसे याददाश्त मेरी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन दुश्मन को मैं भूलता नहीं। इट इज वेरी स्ट्रेंज कि आप दुश्मन भी नहीं है, लेकिन शक्ल आपकी मेरी याददाश्त में पड़ी है। देखे जरा मेरी तरफ। ये तो वही है हुक्मा, जज्जी रंगबाज कमीना, बाली का यार। खत्म हो गई उन दोनों की? किन की? उन दोनों की यार। हाँ, इससे आगे नहीं पढ़ना। इससे आगे क्या पढ़े? सुना है डॉक्टरी का कोर्स बहुत मुश्किल होता है, तू उन दोनों से कह डॉक्टर बन जाए, चले जाए यहां से, वहीं जाकर रहे हैं अमेरिका, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं। मैं वहीं जाके मिल लिया करूंगा उनसे। इस तरह नहीं होता जी। तो फिर किस तरह होता? इस तरह होता कि 22 सालों के बाद अचानक किसी को जज्जी की याद आ जाए, वो मेरी फोटो अखबार में छपवाकर मुझ पे 5 लाख का इनाम रखते। यावर कमाल को फोन करो। तू तुझे मिल जाएंगे 5 लाख। 5 लाख में तेरे सर से वार देता हूं जज्जी। क्या बात कर रहा है यार? आहिस्ता बोल जज्जी, ना कह मुझे। मैं फोन करता हूं उसको, पूछता हूं जज्जी से क्या काम है उसको। गाड़ी तेज लाओ यार। अरे सुन तो सही रामीन, मेरा भाई है ना पुनार। हाँ, प्यार हो गया उसको। रामीन? हाँ, सुन रही हो ना? सुन रही हूँ। कल वो मामू को बता रहा था कि ऊपर से अम्मी साहिबा पहुँच गई। क्या बता रहा था? यही कि प्यार हो गया है और अब पता नहीं चलता कि वो आंखों में रहती है या दिल में। नाम नाम बताया उसने? मेरा मतलब कौन है वो? नाम नहीं बताया उसने, अम्मी साहिबा ने मौका ही नहीं दिया, प्यार का सुनते ही मुंह पर थप्पड़ मार दिया। तुम सुन रही हो ना? हाँ हाँ, लेकिन तुम एंजॉय नहीं कर रही हो। अरे नहीं, उन्होंने थप्पड़ मार दिया है तो सुन के दुख हुआ मुझे। हे
फिर क्या हुआ? अब वो मान ही नहीं रहा कि उसे प्यार हुआ था। वो कर क्या? हाँ ना, अम्मी साहिबा को बोला दिल चीर कर देख लो, आंखें चेक कर लो, वो कहीं भी नहीं है। ऐसे ही कोई थोड़ी देर के लिए अच्छी लग गई होगी, लड़कों में यही तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं रामी, मेरे भाई में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थूक कर चाटता नहीं। तो फिर वो कर क्यों गया? अम्मी साहिबा ने कहा प्यार उस पर जायज नहीं है, तो उसने मान लिया कि जायज नहीं है, पर ये नहीं माना कि प्यार नहीं है। अरे जाओ, कह तो रहा है कि अब वो दिल में है ना आंखों में। वो भी ठीक कहा उसने, अम्मी साहिबा के सामने जाएगा तो छुपा लेगा, उनके सामने तो हम अपनी दिल की धड़कन तक छुपा लेते हैं। ऐसा है तो तुम्हारी दफा वो फट से मान क्यों गई? मेरी बात और है, मैं लड़की हूँ ना, मुझ पर जिम्मेदारी नहीं है कि मैं बाली का मर्डर करूँ, लेकिन वो बाली को मारेगा तो प्यार के लिए क्वालिफाई करेगा, वरना तो अम्मी साहिबा के थप्पड़ खाया करेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारुस्सलाम, तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाल वल इकराम। क्या बात है बेटा, इस तरह रो क्यों रहे हो? थम के बेटा, पहली दफा रोए तो लगा मांग रहे हो, दूसरी दफा रोए हो तो लगा है देने वाले पर यकीन नहीं है तुम्हें। गम ज्यादा है या गुनाह बड़ा? गम भी ज्यादा है और गुनाह भी बड़ा है मौलवी साहब। अस्तगफिरुल्लाह, गुनाह की बात कर, किसी की जान ली थी मैंने। अब अपना गम बता। मेरे बच्चे खो गए मौलवी साहब, मिल ही नहीं रहे। घबरा मत, आज रोया है तो समझ मिला है उसे, कल तेरे बच्चे मिल जाएंगे। जा, अपने मांगने पर यकीन कर ना कर, देने वाले पर यकीन कर ले, जिन मांगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। थम के बेटा,
पहली दफा रोए तो लगा मांग रहे हो, दूसरी दफा रोए हो तो लगा है देने वाले पर यकीन नहीं है तुम्हें। दूसरी दफा क्यों रोया था पाली? क्यों नहीं मिल सकते भाई? किसी रेस्टोरेंट में आ जाओ, सिनेमा में मिलो। तुम्हारे यहाँ फिल्म नहीं देखते क्या? हमारे यहाँ जिससे मंगने हो जाए उसे शादी से पहले नहीं देखते। देख लो तो क्या होता? दादाजी से डांट पड़ती है और अम्मी साहिबा से थप्पड़ पड़ता है। बस काफी नहीं है क्या? तो मेरे लिए जरा सी डांट नहीं सुन सकती, एक थप्पड़ नहीं खा सकती? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें देखने को दिल कर रहा है तो स्काइप पर देख लो। अरे वाह, महबूबा को देखना है, उसके वीडियो नहीं देखनी? हाथ भी तो पकड़ूंगा ना। खैर ये तो सोचना भी मत। क्यों? मंगनी के अगले दिन अम्मी साहिबा ने पास बिठाया, एक खजूर खिलाई और बोली, अब तुम दोनों की बात तय हो गई है तो फोन पे बातें ना करना, बहाने से कहीं जाकर मिलना भी मत, और कहीं मिल जाए तो उससे कहना बात कर ले, हाथ ना पकड़े। तो तुम पर भरोसा नहीं है उनको? तुम पर एतबार नहीं है। देखो आज का दिन बड़ी मुश्किल से गुजारा है, कल मैं रह नहीं पाऊंगा। तो क्या करोगे कल? नाश्ते में भूख लगी तो ठीक, वरना लंच तुम्हारे घर पर करूंगा। अरे तुम आओ तो सही, देखना क्या लंच कराएंगे अम्मी साहिबा। पापा को साथ ले आऊंगा, बोलूंगा शादी का दिन तय करें, मंगनी से काम नहीं चलेगा। अच्छा फोन रखो, अजान हो रही है। लो खाओ। शरबत पियोगे? जाओ बीबी, माँ बेटे में कुछ बात होने वाली है, तुम जरा कान हटाओ। हाँ तो लाडले, बताओ कौन है वो लड़की जिसने नजर भर के तुम्हें देखा और फतह करके चली गई? आपने कहा था टेस्ट लूंगी। टेस्ट ही तो ले रही हूँ। जिस तरह तुम मुझे देख रहे हो, इस तरह याद है पहले कब देखा करते थे? जब कोई खिलौना मांगने पर डांट पड़ती थी या शरारत करने पर थप्पड़ मारती थी तो तुम डर कर इस तरह देखते थे जैसे कहते हो अब नहीं करूंगा। थप्पड़ खाकर नहीं करता था शरारत। डर जाते थे ना, पर वो शरारत थी बेटा, ये मोहब्बत है, इसमें डर नहीं लगता। लड़की का नाम क्या है? रामीन। वो अपने फरहाद की बहन? अरे वाह, तुमने तो एक ही दिन में बहन का हिसाब चुकता कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हमें साहब। उस दिन लगा है कोई बात, फिर लगा नहीं है। बात बात हुई? नहीं। अच्छा बताओ, मैं ना मानूं तो क्या करोगे? जो आप कहोगे वही करूंगा। मैं कहूं रामीन से शादी नहीं हो सकती तो? मैं उसको याद भी नहीं करूंगा अम्मी साहिबा। और मैं 9 लड़कियां ऐसी दिखाऊं जो रामीन से भी ज्यादा खूबसूरत हों और कहूं कि रामीन समेत मैं 10 की 10 पर राजी हूं, तो रामीन के अलावा किसको चुनोगे? बोलो ना बेटा, माँ के रोजे की कसम। रामीन के अलावा किसी को नहीं चुनूंगा।
यहां थप्पड़ मारा था मैंने, माफ करना लाडली, तुम्हें तो प्यार हो गया, जाओ, मैंने तुम्हें हुक्म के खून की जिम्मेदारी से आजाद किया।